मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अमान खान जी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो सत्याग्रह आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई दिन से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनसे हम जानेंगे किस चीज़ के लेकर आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी भाई, मैं जैसे आपने बताया, मैं अमान खान है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं पुणे में रहता हूँ, वहाँ की एक कंपनी आईटी पार्क है, और वहाँ एक कंपनी है एक्सपो नाम की कंपनी, जो कनाडा की कंपनी मल्टीनेशनल, जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था 2015 से। और मुझे एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है, सिलांटे, पोलारिस, कॉग्निजेंट, बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है। और माशाल्लाह एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी घुमा हूँ, जैसे कनाडा, जर्मनी, चाइना में काम करके आया हूँ। 2015 में इस कंपनी को ज्वाइन किया, और एक सॉफ्टवेयर कंपनीज की ब्यूटी होती है कि वहाँ पर एक प्रेयर रूम होता है, प्रेयर रूम में सब लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं। तो अगर लाइक वाइज देर वॉज ऑल्सो योगा रूम, योगा रूम आई उसको ऑफर में, नमाज में नमाज पढ़ा करता था, 3 साल से नमाज पढ़ा था, किसी को कोई इशू नहीं था। कि एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि कंपनी ने मुझे कनाडा भेजा, और ताकि एक प्रोजेक्ट थोड़ा प्रॉब्लम है जिसमें चल रहा है, क्लाइंट को डिलीवरी करनी है, आपका जाना ज़रूरी है। तो मैं अपने एक महीने के बच्चे को छोड़ के यहाँ पहुँचा, और जब मैं लौट कर आया तो मेरे मैनेजर चेंज हो चुके थे। ये मैनेजर जो थे वो थोड़ा माइंड सेट रेडिकल था। इन्होंने एक दिन, मैं नमाज पढ़ कर आया लौट कर, असर का वक्त था, और आफ्टर आर्स ऑफिस के आफ्टर आर्स में 6:30 बजे तक काम होता है, मैं 5:45 बजे नमाज पढ़ने गया था। तो उन्होंने मुझे केबिन में तलब किया, और वहाँ से उन्होंने मेरे मज़हब पर और मेरे मजहबी पहनावे पठानी सूट पर तनकीद करना शुरू की, और आपत्तिजनक सेंटेंस स्टेटमेंट है जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर, और मुझे नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश करी। तो मैंने उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का हवाला दिया कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप मुझे रोक नहीं सकते, और कंपनी में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तो बोलते हैं कि टू हेल्प विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भी कोई इज्जत नहीं। तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई वहाँ, क्योंकि दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट्स, आई एम एजुकेटेड एंड टू प्रोटेक्ट माई फंडामेंटल राइट्स। तो लड़ाई इतनी आगे हुई कि वो हिटेड आर्गूमेंट इतने बढ़ते गए कि उन्होंने मेरी बेइज्जती, कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती, मज़हब की बेइज्जती करना शुरू करी। मैंने उनसे आर्गूमेंट ख़त्म किए, कंपनी से कहा, कंपनी ने उनसे माफ़ी दिलवाई, मुझे माफ़ीनामा भी उन्होंने मुझे दिया अपनी गलती का, जो सबूत है मेरे पास। और उसके बाद, क्योंकि वो वहाँ पर उनके काफ़ी रसूख थे, पुराने मैनेजर थे, उनको मुझसे माफ़ी मांगनी थी, मांगनी पड़ी, तो बदले की भावना से कंपनी ने मुझे जॉब से निकाला। तो ये मेरे अधिकारों का हनन हुआ, मुझे डैमेज किया गया। तो उसके लिए मैं निकला, क्योंकि मैं एजुकेटेड एनफ हूँ, कोई भी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको जूता मारा जाए और खाना खिलाया जाए। जी मैंने उनके लिए लीगल सारे प्रोसीडिंग करी पुणे में, जो होनी चाहिए, यानी FIR के लिए कंप्लेंट ना करी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर उनके लिए FIR तक नहीं, जिसके लिए मैंने RTI भी लगाई, उसमें भी फिर उन्होंने उसका जवाब एक अच्छी तरह से नहीं दिया। और फाइनली मैंने 80 दिन सत्याग्रह पुणे कलेक्टर ऑफिस में भी किया है। जब वहाँ मुझे राहत नहीं मिली, तो अपने हक की लड़ाई के लिए, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ, अमान शुड बी द लास्ट वन टू बी डैमेज, ये मेरा मानना था, और उसको मानते हुए मैं यहाँ आया हूँ लड़ने के लिए, कि ये मेरे अपने लिए की लड़ाई नहीं है। न जाने कितने लोगों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हमेशा हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होते हैं, या तो अवेयरनेस नहीं है, या फिर ताकत नहीं है जो लड़ नहीं पाते हैं, या फिर जो भी परेशानियाँ रहें, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में everyone is free to do anything under the constitution. तो अभी मैं यहाँ आया हूँ, आपके शहर में लड़ाई लड़ रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत सपोर्ट मिला है, नवे भाई का सपोर्ट है, भाई का सपोर्ट है, और उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे इंसाफ भी मिलेगा, और दूसरों के साथ जो होने वाली नाइंसाफी बंद होगी। जी, मुझे मिले थे, प्रशासन के लोग आके मिले थे, उन्होंने जो घटना को पूरी तरह से सुना, और उसके बाद कहा कि आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव एज वेल एज ऑप्टिमिस्टिक, आई विल गेट थ्रू दिस, इफ नॉट देन आई विल फाइट टिल द वर्टिकल, टिल द स्काई। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ, लेकिन इरादे ये हैं कि नहीं मिलेगा तो आसमान छुएंगे जाएंगे। तो
80 दिन ये पूरे पर बैठे हैं अमान भाई, और 80 दिन एक बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। उस पीरियड में बहुत परेशानियाँ आती हैं 80 दिनों के बीच में सड़क पर बैठना, अपनी फैमिली से दूर, और उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना जो एक तरह से सत्ता में, सत्ता में कहने का मतलब ये कि जब कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है तो ऑलमोस्ट वो सत्ता में है इनके लिए। तो जब ऐसे लोगों को साथ आप इंसाफ की उम्मीद लगा बैठे हैं, जो लोग आपके साथ गलत कर रखा है लोगों ने, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभती है कि किसी का नाम उर्दू का नाम होने की वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है, या फिर नमाज पढ़ने की वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया। एक संवैधानिक अधिकार है एक आम इंसान का कि एक आम इंसान अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपनी पूजा कहीं भी कर सकता है। तो उसके ऊपर इस तरह से तनकीद करना, और जिस तरह से आप जिस माहौल में, आप हिंदुस्तान का माहौल इस टाइम जहरीला माहौल हो चुका है, उस माहौल में आप और हम सांस ले रहे हैं, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज़ ऐसी जहरीली आबो हवा में हम और आप जी रहे हैं कि जो पहले प्रशासन खिलाफ होता है, किसी कंपनी के खिलाफ लोग होते हैं, फिर नजीब वाला केस हो जाता है, नजीब JNU हायर एजुकेशन के लिए मुसलमान अगर पढ़ने जाता है उसको वहाँ से गायब कर दिया जाता है, फिर अमान खान जैसे कुछ लोग जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके साथ ये घटना घट दी जाती है कि उनको नमाज से एक बहाना लेकर उनके रिज़ाइन ले लिया जाता है जबरन, यानी कि उनको पता भी नहीं है, उनमें साइन कर लिया जाता है। तो बड़ा चिंता का विषय है, ये हिंदुस्तान में चल क्या रहा है और बहुत दुखद है। बाकी अमान के लिए खासियत यह है कि वो 80 दिन से लगातार लड़ रहे हैं और बराबर इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोई और आम इंसान होता तो अब तक अपनी उम्मीद हार कर बैठ कर कहीं पर बैठ जाता, कहीं दूसरी जगह जॉब तलाश कर लेता, लेकिन ये लड़ रहे हैं क्योंकि ये हक पर है। हक का मतलब ये है कि वो अपनी सच्चाई की तरफ है। जब ही आदमी के अंदर इतना जज्बा आता नहीं तो झूठे लोग तो बहुत जल्दी शांत होकर बैठते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।